निकी तंबोली की बातों बातों में फिसली जुबान, खतरों के खिलाड़ी 12 के विनर का नाम कर दिया रिवील। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खतरों के खिलाड़ी 12 सीजन, कलर्स टीवी का शो खतरों के खिलाड़ी को लेकर रोज नए अपडेट आते रहते हैं, कभी किसी के एलिमिनेशन की तो कभी कुछ। अब बिग बॉस में नजर आ चुके निक्की तंबोली ने भी विनर के नाम को लेकर बवाल मचा दिया है। रोहित शेट्टी का एडवेंचर्स और स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। शो के कंटेस्टेंट्स जहां खतरनाक स्टंट्स करके परेशान हैं, तो वहीं शो की टीआरपी में उछाल देखने को मिल रहा है। शो के पहले हफ्ते में मौजूद सभी सेलेब्स ने जी जान से परफॉर्म किया और फैंस को दंग करते हुए नजर आए। वहीं एरिका पैकर्ड को शो से जाना पड़ गया था। खतरों के खिलाड़ी हर नए दिन के साथ अलग अलग ट्विस्ट लेकर आ रहा है, जो दर्शकों का भी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है कि आखिर इस शो को जीतेगा कौन। तो आपको बता दें कि इस बात से एक्ट्रेस निक्की तंबोली ने पर्दा उठा दिया है। खतरों के खिलाड़ी 12 के विनर के नाम की घोषणा निक्की ने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से कर दी। बड़ बोली निक्की अपना एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाई और हड़बड़ी में सब उगल दिया। दरअसल हाल में दिए एक इंटरव्यू में जब निक्की तंबोली से उनके फेवरेट खिलाड़ी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बातों बातों में फेवरेट के साथ साथ विनर के नाम की भी हिंट दे दी। निक्की ने टीवी की छोटी बहू यानी रुबीना दिलेक को सपोर्ट करते हुए कहा, रुबीना दिलेक बहुत स्ट्रांग है और वह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमने उन्हें बिग बॉस में देखा है और सभी को पता है कि वह कितनी जिद्दी है, वह इस शो को जीत भी सकती है। हालांकि बाद में अपनी बातों को कवर करते हुए निक्की ने शो के बाकी सभी कंटेस्टेंट को भी अच्छा कहा। बता दें कि रुबीना दिलेक और निक्की तंबोली बिग बॉस के सीजन 14 में साथ नजर आ चुके हैं, जहां दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे तो नहीं थे। ऐसे में निक्की का रुबीना की तारीफ करना उम्मीद से परे है। कुछ समय पहले शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने भी रुबीना की तारीफ की थी और उन्हें शो जीतने लायक खिलाड़ी बताया था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।